नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीपी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मुद्दा अब भी गर्म है। अयोध्या मसले में कल 20वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन मसला अभी भी वही का वही। लगभग 90 की दशक से चले आ रहे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे का अभी तक कोई सटीक निवारण नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में हर 5 साल में राजनीतिक पार्टियों को राम पर राजनीति करने का मौका मिल ही जाता है। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत जनता भी इस आस में वोट देती है कि इस बार शायद अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि आखिर लोगों को चाहिए क्या, आपसी विवाद का मुद्दा या राम के नाम पर राजनीति? क्योंकि अगर लोगों की भावनाएं केवल भगवान से जुड़ी हैं और अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो ऐसे में उनकी श्रद्धा उस जन्म स्थल से होनी चाहिए, ना कि मूर्ति से। क्या राम मंदिर बनने से ही उनकी श्रद्धा फलित होगी? आस्था रखने के लिए मूर्ति की नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा की भावना से भी भगवान के प्रति आस्था प्रकट की जा सकती है। ऐसे में राम का ही मंदिर क्यों? इस मुद्दे पर किसी एक को समझौता तो करना ही है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। ऐसे में अगर आपकी श्रद्धा वास्तविक है, तो राम मंदिर बनवाने का हट छोड़कर उनके जन्म स्थल की पूजा कीजिए, ताकि आए दिन उसके चलते आपसी विवाद ही उत्पन्न ना हो। क्योंकि सालों से चली आ रही राम पर राजनीति और विवाद थमेगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आपको यहाँ पर यह तय करना होगा कि आपकी आस्था केवल राम की मूर्ति से है या राम के जन्म स्थल की। पता नहीं यह मुद्दा कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आईडीपी 24 न्यूज में। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।